हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम हाल ही में अभी ख़त्म हुआ है उसका जो मेंस एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, और ये एक टेंटेटिव डेट है, यानी कि ये इसके इस डेट से बाद में, यानी कि इस डेट से डिले भी हो सकता है और एक्यूरेट इस डेट पर भी हो सकता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, जो प्रीलिम्स के डेट थी वो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त और 8 अगस्त के बीच में जो है ऑफिसर स्केल 1 के एग्ज़ाम हुए थे, और 14 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम हुए थे। जो ऑफिसर स्केल के एग्ज़ाम थे वो 2 दिन चले थे, लेकिन जो ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम थे वो 3 दिन चले थे, 5-5 शिफ्ट हुई थी। और अगर इनके सिंगल एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो ऑफिसर स्केल 2nd और 3rd का जो 25 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, और जो मेंस एग्ज़ाम है ऑफिसर स्केल 1 का वो 25 सितंबर 2021 है, और ये टेंटेटिव डेट है, ये कोई कंफर्म डेट नहीं है। इससे जो डेट है डिले भी हो सकती है, क्योंकि अभी कोविड को देखते हुए सब अपने एग्ज़ाम कैलेंडर पे टेंटेटिव ही लिखते हैं, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। और ऑफिसर असिस्टेंट का जो मेंस की डेट है वो 3 अक्टूबर 2021 रखी गई है। ये सब टेंटेटिव डेट है, इनके बारे में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। अगर मैं बात करता हूँ रिज़ल्ट के बारे में, तो जो रिज़ल्ट है वो आपका 25 से 30 दिन पहले आ जाएगा दोनों ही एग्ज़ाम का। अगर मैं बात करूँ ऑफिसर स्केल 1 की और ऑफिस असिस्टेंट की, तो दोनों ही मेंस के पेपर के लिए आपको 30 से 25 दिन प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।